ये है 500 ग्राम बीफ कीमा, 400 ग्राम चने की दाल। चने की दाल हमने भिगो के रख दी थी, उसके बाद हमने इसमें कीमा मिक्स किया, फिर हमने इसमें डाला दालचीनी के 2 पीस, 5 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 2 चम्मच हमने पिसा हुआ, ज्यादा पिसा हुआ नहीं, हल्का हल्का सा पिसा हुआ था वो डाल दिया था, 1 चम्मच पिसा हुआ जीरा, 1 प्याज, 1.5 चम्मच कुटी मिर्चें, 1.5 चम्मच नमक डाला था, 1 स्पून पिसी लाल मिर्च, 1/2 स्पून काली मिर्च डाली थी, ब्लैक पेपर, और ये इतना मज़े का बनता है। मसाले डालने के बाद हम इस कीमे को पका लेंगे। अब हम इसको पीस लेंगे सारा, और आप देखेंगे पीसने के बाद ऐसा होगा, तो जिसको ज़्यादा पिसा हुआ चाहिए वो ज़्यादा पीस ले, और जिसको नॉर्मल चाहिए, और इसके इतने मज़े के कबाब बनते हैं, बहुत टेस्ट, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको ग्राइंड कर लें हरा धनिया और हरी मिर्च को, या फिर आप ऐसे ही छोटी छोटी कट करके वो मिक्स कर लें। इसमें हमने काट लिया है हरा धनिया और ये हरी मिर्च है, अब हम इसको इसमें और पीस लेंगे तो ये और अच्छा हो जाएगा। वैसे तो अच्छे से हमने कट कर लिया था छोटा छोटा, मगर फिर भी हम इसको पीस लेंगे। सकते हैं कितना अच्छा चॉप हुआ है, कीमा भी कितना अच्छा पिस गया है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए, भी ज़रूर ट्राई करिएगा, इससे बहुत मज़ेदार कबाब रेडी होते हैं। खैर मम्मा ने तो ये पहले ही रेडी कर लिया था, तो इसी वजह से मैं पूरी रेसिपी नहीं डाल सकी, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इसमें हमने क्या क्या डाला है। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर इसकी टिकिया बना लेंगे। टिकिया बनाते बनाते मम्मा को मेरा बचपन याद आ गया, मुझे मम्मा कह रही थी तुम अभी भी बिल्कुल बचपन की तरह ही टिकिया बना रही हो। मम्मा के साथ मेरी बहुत सारी यादें हैं, मैंने बहुत छोटी एज से ना अपनी मम्मा के साथ सारे काम स्टार्ट कर दिए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कितने सारे हमारे कबाब रेडी हो गए हैं। आप चाहे छोटे भी बना सकते हैं, लेकिन हमने बड़े बड़े से बनाए हैं। अब इसको 1 घंटे के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे, उसके बाद हम इसे बाउल में सेट कर देंगे पन्नी लगा के, ताकि ये आपस में चिपके ना, जब दिल चाहे आप निकालें और फ्राई कर लें। हम पहले नीचे रख देंगे जितने आएंगे, उसके ऊपर हम दोबारा से प्लास्टिक रखेंगे, उसके ऊपर हम दोबारा रखेंगे, ऐसे हम इसको कर लेंगे, और फिर हम इसको बंद करके फ्रीज कर देंगे। ना मेरे शहजादो, लच्छी दे दो। सुबह सहरी में कबाब पराठा खाने का मज़ा ही अलग है। यहाँ पे बन रहा है पराठा, मम्मा लच्छेदार पराठा बना रही है, लच्छेदार पराठा कहते हैं ना। और यहाँ हमारे कबाब रेडी हैं, बहुत मज़ेदार, खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। और यहाँ बन रहे हैं बड़े मज़ेदार पराठे मम्मा के हाथ के पराठे, तो मेरी बेटी भी बहुत अच्छी बनाती है, लेकिन मम्मा जैसा पराठा नहीं बना सकती, मम्मा का पराठा तो बहुत टेस्टी होता है। माँ के हाथ की वैसे भी चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं। यहाँ हमारी सारी रेडी हो गई है माशाल्लाह से। यूं करके दिखाओ, बहुत टेस्टी हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो ट्राई करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।